So if you guys can remember, this is the same place where you had been 1 year before, Hotel Crown Plaza, Gangtok. But probably this is my fifth or sixth time in Gangtok. This time it's going to be exciting one because our ultimate destination is going to be Guru Dombal Lake. Compared to yesterday's overcast weather, today it looks like bright sunny day here at Gangtok. Weather seems to be very much fine. So here in MG Marg, some function is going on, and on the top of that, we have met Baichung Bhutia sir. Baichung Bhutia sir यहाँ का chief guest है, तो उसके साथ photo लिए हम लोग सब. तो वही अब photo हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? Today it's Sunday and it seems to be slightly crowded at MG Marg. कल रात को जब आए थे, तब तो पूरा एकदम खाली था because it was slightly drizzling. But right now weather looks very fine and we are all set to start our journey. But before that, check out our yesterday night footage. Jab hum log sab MG Marg mein aaye the, to kaisa laga? Check this out. So we are here at iconic MG Marg at Gangtok. Thoda halka pulka barish ke baad MG Marg kitna sundar lag raha hai, ekdam neat and clean. So actually we are searching for dinner, but yahan pe momo wagera milega, but abhi soch rahe ki kya khana khaye. क्या खाना खाए? सेरी पंजाब चलते हैं, चिकन दबा के खाते हैं यार के। सौरभ, मोमो से पेट फट जाएगा? नहीं नहीं, मेरा चॉइस सेरी पंजाब। तो चलो सेरी पंजाब ही खाओ। Right now the drizzling is getting slightly heavier and we are not carrying any sort of umbrella or rain coat. नहीं तो दूसरा रोल तो हैवी उधर। नहीं तो ड्रैगन ऑक। चाइनीज ही खाएगा ना? रोल नहीं खाना है, रोल मोमो नहीं खाना है। Here comes our dinner, chicken chili without gravy. Chicken fried rice, chicken mixed fried rice, along with this ambience outside. It's still drizzling outside, and we don't know how we'll get back to the hotel. But देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, and it is right now very less crowded. And this is mixed patu. Mixed patu. Mixed patu. And this is specially Tibetan food. ठीक है शुरू करें. So we are here at Bajra stand, जहाँ से North Sikkim के लिए गाड़ी छोड़ते हैं. First of all, we will be boarding a cab, which will be like leading to Lachen. Lachen में हम लोग का stop होगा आज के लिए. वहाँ से कल हम लोग जाएंगे towards Guru Dombal. And यहाँ से हम लोग का गाड़ी छूटेगा. अभी गाड़ी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे. उससे पहले ये कैब को पैसा दे देते हैं. चलो, ठीक है? सामान उठा अपना अपना. फर्स्ट स्टॉप ऑन द वे टू लाचेन. जगह का नाम है बटरफ्लाई फॉल्स. इधर से पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ, वो देखो.
तो आने जाने के रास्ते पे बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। मेरे को जितना याद आ रहा है एक बटरफ्लाई फ्लॉप, उसके बाद एक चुंगथांग में भी दो फॉल्स है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसके साथ साथ ही। वहाँ तक जाने का तो मन तो नहीं है, पर सेम टाइम यहाँ खड़े होकर थोड़ा बहुत व्यू को एंजॉय करते। तो अभी हम लोग ड्राइवर भैया को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं। ऊपर से पूरा तीस्ता नदी का व्यू अच्छे से आ रहा है। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऊपर से एकदम टॉप व्यू दैट पॉइंट। सो वी टूक ए क्विक स्टॉप एट डिकचूखोला ब्रिज, डिकचूखोला। इधर से डैम का व्यू बढ़िया आता है, पानी का कलर पूरा ग्रीन है एकदम, दो अलग अलग शेड दिख रहा है पूरा। इट्स अ काइंड ऑफ व्यू पॉइंट, लोग यहाँ पे उतर के फोटो वोटो ले रहे हैं बैकग्राउंड के साथ। ज्यादा कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे है नहीं। सो वी आर जस्ट स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड पॉइंट, जहाँ से ये पूरा व्यू आप लोगों को दिख रहा है। सो दिस इज द एंड पॉइंट। इधर से और आगे व्यू भी बहुत मस्त आ रहा है। सो वी जस्ट स्टॉप एट रंग रंग फॉर हैविंग आवर लंच। सो दिस इज द प्लेस वाइल गोइंग टू लाचेन, जहाँ पे आपको रुकना है और लंच वगैरह करना है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छे वाला दुकान आपको है मिलेगा। इस साइड देर इज अ ढाबा एंड ऑन दैट साइड सम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है। तो आपको खाना वगैरह खाना है तो ये रंग रंग पे रुको ऑन द वे टू लाचेन। एंड प्लान है कि अभी थोड़ा बहुत हम लोग खाना फ्रूट्स वगैरह उठा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टू डेज। ये जो रूट आप देख रहे हो, ये रूट पे सीधा जाने से आपको लाचुंग और लाचेन मिलेगा। पॉइंट नेम इज मनगान, मनगान पुलिस स्टेशन इधर है, ये नॉर्थ सिक्किम के अंडर ही आते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत चिकन उठा रहे हैं, क्योंकि लाचेन में रात को हम लोग थोड़ा बहुत पार्टी करेंगे उसके लिए। तो ये आ गए हम लोग का 2 किलो का चिकन, आज तो होगा पार्टी। और अभी भी 2 घंटे का रास्ता है तो जल्दी जल्दी निकलना भी पड़ेगा। क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना। So we have stopped at a place called Manul on the way to Lachen, and देखो पहाड़ों का व्यू। थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश वगैरह हल्का फुल्का चालू है। इधर थोड़ा चाय पानी पिएगा, उसके बाद थोड़ा आगे जाएगा। ऐसे ना जाने मेरे को लगभग 5-6 वाटरफॉल्स दिखा रास्ते पे, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही दिखता है अब। और इधर से भी व्यू तगड़ा आ रहा है, पूरा वैली का व्यू।
उधर क्लाउड डिपोजिशन हो रहा है, जस्ट प्रे करता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या लग रहा है, बारिश हो सकता है कल? नहीं, कल मतलब बारिश हो सकता है पर रूट नहीं ब्लॉक होगा। वहाँ पे देखो वाटरफॉल, देखो ऊपर ऊपर, या स्लो एक स्मॉल थ्रेड की तरह दिख रहा है। तो मई के महीने में ऐसे ठंडा ठंडा मौसम और ये गर्मा गर्म चाय, जस्ट डेडली कॉम्बिनेशन। सो राइट नाउ इट्स अराउंड 4:30 एंड जितना शाम हो रहा है थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंजेस मेरे को दिख रहा है। सो इतना दूर कवर करने के बाद पहली बार हम लोग को रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम मिला। आगे एक वाटरफॉल है, उसी के लिए सब लोग यहाँ पे उतर के फॉल्स देखने गए हैं, दैट्स व्हाई दिस जैम हैज़ बीन क्रिएटेड। चलो चलो थोड़ा जल्दी निकलते। अच्छा, ये वाला वाटरफॉल्स देखने के लिए इतना भीड़ है भाई, बाप रे। खड़े होने से उधर से पूरा पानी का छींटा आ रहा है इधर, थोड़ा और आगे चल के रुकना पड़ेगा। हमारा गाड़ी वहां पे है, वहां से पैदल चलते हुए हम लोग इधर तक जा रहे हैं, पर यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू अच्छा आ रहा है। आप देख लो पूरा व्यू ऊपर ऑन द टॉप। तो फ्रेंकली स्पीकिंग सारे वाटरफॉल में से यही वाटरफॉल सबसे मेरे को बेस्ट लगा, वाटर का फ्लो बहुत तेज है। चलो फिर यहाँ का काम खत्म, अभी चलते हैं फाइनली टुवर्ड्स लाचेन और अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट अराउंड 5 इन द इवनिंग, तो सीधा आप लोगों से लाचेन में पहुंच के मिलता हूँ, क्योंकि ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि आगे और भी लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। लैंडस्लाइड होने का चांसेस है क्या? हाँ वही तो है ना, इसलिए जल्दी जल्दी निकलना। बारिश तो नहीं हो रहा है ना? पूरा 2 किलो चिकन है, 2 किलो ये हाफ है, वहाँ उधर हाफ है। चिकन पकौड़ा भी बन रहा है उधर। और ये भक्तो भैया लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से चिकन बनाए थे, इस बार भी वही सेम चिकन करी एंड पकौड़ा, एंड दिस टाइम शिवजी इज हियर टू असिस्ट। ये फाइनली बन गया हम लोगों का गर्मा गर्म चिकन कड़ी, जैसा बोले थे वैसा ही बनाया। अभी ये सर्व होगा 5 प्लेट में, वो लोग खाएगा उसके बाद हम लोग। राइस गर्मा गर्म दाल और ये आलू मिर्चा और चिकन तो आ रहे हैं। रोटी है क्या? राइस। सो विद दैट सर, आज के लिए ब्लॉग को ये पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर सिक्किम टू लाचेन रूट, एंड टुमारो इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डे बिकॉज वी विल बी गोइंग टू आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज गुरुदोम्बा लेक। थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो हो, क्योंकि लास्ट 2 बार हम लोग अटेम्प्ट लिए थे वो फेल्ड हुए थे। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉम वेफेयरर एंड डीएम योर क्वेरीज ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं कल, चलो बाय।